सो वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम लाए हैं MI नोट 4 मोबाइल फ़ोन का। इसका लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कई सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं जिसका लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। ज़्यादातर होता है कि जब मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निकल रहे हैं। यहाँ पे CPU है तो इसके नज़दीक में आपको एक डायोड और एक बूस्टर कॉइल दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आपको डायोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये डायोड से प्रॉब्लम होता है। अगर सेट ओवर हीटिंग हो तब आप बूस्टर कॉइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये डायोड और बूस्टर कॉइल के चेंज किया, उसके बाद इसका लाइट काम करने लगा। अब देख सकते हैं, मैं इसका एक फोल्डर लगा कर दिखाता हूँ आपको। और ये भी चेक कर लेना, क्योंकि इसका जो LCD कनेक्टर है जहाँ पे फोल्डर कनेक्ट होता है, ये जो LCD कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी सही दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये चेंज कर दिया। हाँ, अब देखिए, अब देखिए कि लाइट आ गया इसमें, ठीक है। और ये लाइट का ब्राइटनेस भी वर्क करेगा आपका, आप इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप MI मोबाइल फोन का लाइट का सॉल्यूशन कर सकते हो। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। सर्किट भी ओवर हीटिंग नहीं रहे, सही है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे होता है MI नोट 4 का लाइट सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।